दोस्तों हमारे देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नोटबंदी या देशबंदी मतलब लॉकडाउन करने से पहले गरीबों के बारे में नहीं सोचते, गरीबों के लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं करते, तो हमारे देश का और हमारे देश के गरीबों का क्या हाल होता है वो हमने पहले भी देखा था और अभी भुगत रहे हैं। लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन दोस्तों विदाउट प्लान लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होते ही घर से निकले लोग जहीं के तहीं फंस गए। अचानक ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण दिल्ली में काम करने वाले मजदूर पैदल ही अपने घर को निकल गए। फिर भी गोदी मीडिया और अंधभक्त सरकार की तारीफ करने में व्यस्त थे, लेकिन देश के कई जिम्मेवार लोग और कई जिम्मेवार मीडियाओं ने इस बात को उठाया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 1000 बस के इंतजाम करने का दावा किया और पैदल आ रहे मजदूरों को दिलासा दिया। फिर क्या, ये खबर सुन के मजदूर आनंद विहार बस अड्डे पर इकट्ठे हुए। बस राहत की खबर सुनकर लोग जगह जगह बस का इंतजार करने लगे। बस के इंतजार में भूखे मजदूर डंडा खाकर अपना पेट भरते रहे। बस का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गया, लेकिन योगी के 1000 बस का पता नहीं चला। लोग सोशल मीडिया पर पूछते रह गए कि योगी जी आपका 1000 बस कहाँ है। जवाब न मिलने पर लोग मीम्स बनाने लगे और मजदूर पैदल ही अपने घर को रवाना हो गए। ये सब लोग झांसी जाने वाले हैं, 12:30 बजने वाले हैं और लगातार ऐसे ही लोगों के जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कहाँ जा रहे हो आप? झांसी जा रहे हैं सब। आप लोग कहाँ जाने वाले हो? तो परिवार में बच्चे हैं और मान लो कहाँ से बस, किसी ने बोला था यहाँ से बस मिलेगी? हाँ बोल रहे थे, तभी तो गई। कहाँ, किस, कैसे पता चला यहाँ से बस मिलेगी? बोल रहे थे अभी सब लोग गए यहाँ से, मेरे यहाँ के कई लोग गए इटावा के लिए। अच्छा, कितनी देर से आप लोग यहाँ वेट कर रहे हो? हम यहाँ से आए 4:00। नहीं, यहाँ कितनी देर से वेट कर रहे हो? यहाँ 1 घंटा हो गया। तो यहाँ किसी, देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे इनके साथ, तो आप यहाँ से कहाँ जाओगे? तो फिर आगे लाल कुआं में बोल रहे हैं बस मिलेगी। नहीं जाएंगे तो घर जा रहे हैं और क्या। नहीं देखिए छोटा बच्चा है चलाते हुए इसको। सुनो बाबू, हेलो हेलो, ये बच्चे को कितनी दूर से चला के ला रहे हो आप? अभी इधर से आया। छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा? कहाँ जा रहे हो आप? मजबूर है, क्या करेंगे? हाँ क्या करिएगा, समझ सकता हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव का है? महोबा। महोबा झांसी? हाँ। के पास। हाँ। कहाँ रहती थी आप? यहाँ पे रहते थे। कौन सा ना? कहाँ रहते थे? नरोला। नरोला। क्या करते थे? स्कूल का उसका काम था, रोड का काम था। लेबर है ये, सामान भी इनके पास है। तो यहाँ किसने बताया कि आपको कहाँ से बस मिलेगी, कैसे चले हो आप? अब बता रहे कि बस चलेगी आज, सब देखो कहाँ मिल रही। कौन बताया बस चलेगी? बहुत से आदमी बता रहे, बाहर दिल्ली तक तो निकाल दी, अब निकल रहे। तो वहाँ कुछ देखते, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किया जा रहा? आनंद विहार तक तो बस से निकाल दिया था। आनंद विहार तक बस से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? पुलिस वालों ने। लेकिन वहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम दिल्ली में नहीं था? पुलिस वालों ने कह दिया कि आनंद विहार से उधर जाओ यूपी की तरफ। चावल दिया था खाने के लिए। लॉकडाउन से पहले तो गरीबों के बारे में सोचा नहीं गया और लॉकडाउन के बाद 1000 बस का दावा करके इन्हें धोखा दिया गया। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर कर गए, लेकिन बीजेपी के नेता टीवी देखते रह गए। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये बीजेपी गरीबों के साथ जुल्म कब तक करती रहेगी? दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।